हेलो डियर स्टूडेंट, राइट। तो हम लोग कौन सा सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं? बिजनेस लॉ, राइट। तो एस वाई बी कॉम का सबको सब्जेक्ट्स है। तो फर्स्ट टॉपिक कवर कर रही है एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो व्हाट इज एग्रीमेंट? एग्रीमेंट का मतलब होता है एग्री करना। वन पर्सन ऑफर टू अनदर एंड एग्रीज टू ऑफर अ प्रपोजल मेड। तो अभी बहुत बड़ा इंग्लिश दिया, मैं तुमको सिंपल में बताता हूँ। मतलब सपोज मैं माई सेल्फ अब्दुल, आप सपोज राम, तो मैंने क्या किया, आपको एक प्रपोजल रखा। क्या बोला? आप एक मैन्युफैक्चरर हैं, आप क्या करते हैं, आप जीन्स मैन्युफैक्चर करते हैं। क्या मैन्युफैक्चर करते हैं? जीन्स की कंपनी आपकी, राइट। तो आप जीन्स बनाते हैं। मैंने आपको ऑफर क्या किया मालूम है क्या? मुझे 1000 जीन्स चाहिए। ये मेरा क्या हो गया? ऑफर हो गया। क्या हो गया मेरा offer? तो आपने क्या किया, मेरा ऑफर को एक्सेप्ट किया। ऑफर को क्या किया तुमने? एक्सेप्ट। तुमने क्या बोला? ठीक है, तुम्हारा 1000 जीन्स मैन्युफैक्चर हो जाएगा, आपको इतना पेमेंट करना पड़ेगा। तो एक पार्टी ऑफर करती है, दूसरी पार्टी क्या करती है? एक्सेप्ट। उसको बोलते हैं एग्रीमेंट। क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट में क्या होता है? ऑफर आता है और एक्सेप्टेंस होते हैं, सिंपल। अभी कॉन्ट्रैक्ट क्या आ गया? कॉन्ट्रैक्ट में क्या आ गया? ऑफर भी आ गया और एक्सेप्टेंस भी आ गया, प्लस एनफोर्समेंट। क्या आ जाएगा? एनफोर्समेंट का मतलब होता है कानून का स्टैम्प। तो एग्रीमेंट एक तरफ से सगाई होती है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, राजी होते ना दोनों एक दूसरे में। और कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक तरफ से शादी होती है, ऑफर भी होता है, एक्सेप्टेंस होता है, और एक वो हो जाता है, मोहर लग जाता है कि हाँ दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट में आ गए। इट मीन्स एन एग्रीमेंट विच क्रिएट एंड सम लीगल ऑब्लिगेशन। मतलब जिस एग्रीमेंट में लीगल ऑब्लिगेशन आ गया उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो इन कॉन्ट्रैक्ट देर इज एन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस प्लस एनफोर्समेंट ऑफ लॉ। क्या है? एनफोर्समेंट ऑफ लॉ। तो ये हो गया अपना कॉन्ट्रैक्ट। अब सबसे फर्स्ट टॉपिक अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे और एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या जरूरत है, सेक्शन 10 के सबसे पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो आओ स्टार्ट करते हैं, राइट। एवरी एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो भी एग्रीमेंट जिसमें एनफोर्समेंट हो रहा है लॉ का, कानून का स्टैम्प, कानून की इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, कानून के थ्रू बन रहा है, इज कॉल कॉन्ट्रैक्ट। एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल कॉन्ट्रैक्ट। ये डेफिनेशन लिखने का, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल ए कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए जब दो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में आती है तो क्या क्या जरूरी होने चाहिए? अगर वो दस मतलब वो अगर वैलिड रिक्वायरमेंट में से एक भी नहीं रहेगा ना तो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खारिज हो जाएगा, राइट। तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स एन एग्रीमेंट बिकम कॉन्ट्रैक्ट। तो अभी अपना टॉपिक इधर से स्टार्ट हो, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट पॉइंट क्या दिया? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। क्या दिया है? एक पार्टी ऑफर करेगा, दूसरा पार्टी क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। तो मैंने आपको बोला मुझे जीन्स मैन्युफैक्चर, आप जीन्स मैन्युफैक्चर, मैंने बोला मुझे जीन्स बना के देंगे आप? तो आपने बोला हाँ ठीक है मैं बना के दूंगा। तो मैंने कितना पेमेंट लेंगे? तुम बोले एक जीन्स का कुछ 300 रुपये लगेगा, मतलब ब्रांडेड जीन्स है, राइट। तो मैं बोला 1000 क्वांटिटी चाहिए, तो डिस्काउंट प्राइस करके तो मैंने ऑफर किया, तुमने एक्सेप्ट किया, है ना। तो पहले पार्टी में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, ऑफर है, एक्सेप्ट है। सेकेंड क्या है? जो दोनों कॉन्ट्रैक्ट मैन है, देर मस्ट बी एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। जो भी ड्यूटीज है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में ड्यूटीज लिखा है ना, वो दोनों को ड्यूटी निभाना है, ऐसे टाइम पास में कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना है। देर इज नो सच इंटेंशन ऑन पार्ट ऑफ पार्टी दैट देर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। मतलब उसका इंटेंशन नहीं है लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। मतलब क्या होना चाहिए? दोनों का एक इंटेंशन होना चाहिए कि जो भी ड्यूटीज है लीगल वो फुलफिल करना है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट में ड्यूटीज कंडीशन है, दोनों को क्या करना है? पूरा करना है। तो सेकंड पॉइंट, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। जैसे दो लोग शादी किए, अब शादी करने के बाद ये नहीं बोले कि तू तेरे घर पे जा, मैं मेरे घर पे रहता हूँ। अभी दोनों एक साथ आए, अब इसके बाद उनको क्या करना है? अपनी ज़िंदगी साथ में निभाना है, राइट। दैट्स कॉल्ड इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। जो लीगल ड्यूटी को पूरा करना है दोनों पार्टी को, राइट। ओके, और नेक्स्ट क्या दिया है? थर्ड पॉइंट, लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न। पहले याद करो, व्हाट इज कंसिडरेशन? समथिंग इन रिटर्न। अब मैं तुम्हारे लिए कुछ काम करूँगा, राइट। मैं तुमसे, मैंने आपको क्या बोला, आप एक बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर, तो मैंने बोला मेरे लिए बंगला बना दो, राइट। आपने क्या किया? मेरे लिए एक शानदार बंगला बनाया। तो अभी मेरा काम है आपको पेमेंट करना। तो मैं आपको क्या बोला कि कितना पेमेंट करो? तो आप बोला अरे तुम तो मेरे पहचान वाले हो, तुम तो मेरे दोस्त हो यार, मैं आपसे कैसे पैसा ले सकता हूँ? अरे मैं बोला नहीं यार, तुमने मेरे लिए इतना काम किया, तुमको तो कुछ तो पे करूँगा। तो तुम क्या बोले कि जो भी खुशी से दे दो। तो मैंने आपको 1 ही रुपये दिया, मेरा बंगला बनाया, मैंने 1 ही रुपये दिया। तो तुम बोला अरे यार 1 रुपया कोई होता है क्या इतना? तो वही होता है। तो कंसिडरेशन मतलब होता है अमाउंट, कितना मैं पे करूँ, क्या प्राइस पे करूँ। तो जो भी प्राइस होता है वो रियल होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, राइट, सिंपल। उसको क्या बोलते हैं? लॉफुल कंसिडरेशन। और कोई चोरी का पैसा नहीं होना चाहिए। तो कंसिडरेशन में फिर हेरा फेरी पिक्चर देखा ना, उसमें जब एक्सचेंज करते तो जब नोट उठाते बाबूराव, तो बोलते यार इसमें तो बाल आ गया यार। मतलब नकली नोट नहीं होना चाहिए, मतलब नकली नहीं होना चाहिए, कंसिडरेशन रियल होना चाहिए, राइट। व्हाट इज कंसिडरेशन? समथिंग इन रिटर्न, है ना, जो कॉन्ट्रैक्ट का मेन हिस्सा होता है, राइट।
नेक्स्ट क्या दिया लाइक कैपेसिटी ऑफ पार्टी, क्या दिया लाइक कॉन्ट्रैक्ट में, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में सबसे मैंने कैपेसिटी ऑफ पार्टी, अगर पार्टीज के अंदर जो भी पार्टी है ऑफरर और एक्सेप्टेंस जो भी पार्टी अगर उसमें ये चीज़ नहीं रहेगा तो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाएगा, वैलिड नहीं रहेगा। माइनर मतलब वो पार्टी इनकम्पिटेंट कब होएगा कॉन्ट्रैक्ट, जब वो 18 साल के छोटा रहेगा। लॉ क्या बोल रहा है 18 साल के ऊपर होना चाहिए, मतलब ही शुड बी एट द एज ऑफ मेजोरिटी, एज ऑफ मेजोरिटी। सेकंड बोला है ही शुड बी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, मतलब साउंड माइंड होना चाहिए। क्या माइंड होना चाहिए? साउंड माइंड। अनसाउंड मतलब पागल, तेरे नाम नहीं होना चाहिए, जो भूल जाता है, जो पागल है, संकी है ना, उस पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। पर्सन डिस्क्वालीफाई बाय लॉ, मतलब जो कानून ने उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया उस पर भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए बंदे के अंदर क्या कैपेसिटी होनी चाहिए, इट शुड बी एट द एज ऑफ मेजोरिटी, मतलब 18 साल के ऊपर होना चाहिए। शुड बी साउंड माइंड, साउंड माइंड मतलब अच्छा दिमाग होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, संकी नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, तेरा नाम नहीं होना चाहिए। और शुड नॉट बी डिस्क्वालीफाई बाय लॉ, मतलब कानून के तो कोर्ट ने उसको डिस्क्वालीफाई किया वो नहीं होना चाहिए। तो चार पॉइंट क्या हो गया तुम्हारा? तो ऐसे चला वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ऑफर, और एक पार्टी ऑफर करता है दूसरा एक्सेप्ट करता है, दोनों का इंटेंशन क्या होना चाहिए, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होना चाहिए, और कंसीडरेशन लॉफुल होना चाहिए, जो भी समथिंग इन रिटर्न पेमेंट रहेगा, और कैपेसिटी ऑफ पार्टी, तीन के पॉइंट है राइट। अभी नेक्स्ट है फ्री कंसेंट, क्या दिया है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का मतलब होता है अपनी मर्जी। फ्री कंसेंट मतलब जैसे कि आपका सपोज आपके पास BMW कार है राइट, ओके वो आपकी कार है, आप उसके मालिक हो, तो मैं क्या किया तुम्हारे भेजे पे बंदूक रखा, गन रखा, और ये ला चाबी ला, तो मैंने कार तुमसे छीन लिया, तो तुमने मुझे कार बेचा नहीं, डर के मुझे दे दिया ना, क्योंकि मैंने तुमने यार साथ जबरदस्ती की, तो उसको बोलते कोरेशन। क्या बोलते उसको? थ्रेटनिंग। थ्रेटनिंग मतलब होता है धमकाना, डराना। तो कॉन्ट्रैक्ट में जब दो पार्टी आती है तो इसमें कोरेशन नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती से कोई कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आना चाहिए, अपनी मर्जी से आना चाहिए। तो देयर मस्ट बी फ्री कंसेंट, मीन्स पार्टी मस्ट एग्रीड अपॉन ए सेम थिंग, सेम सेंस, इन ए सेम मैनर। एक पार्टी दूसरे को जो ऑफर करता है वो अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहिए, कोई जोर जबरन से नहीं आना चाहिए। अंडी इन्फ्लुएंस मतलब अपने वश में नहीं लेना चाहिए, फ्रॉड तरीके से नहीं होना चाहिए, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में, अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहिए। एक ये है कॉन्ट्रैक्ट का वैलिड पॉइंट। नेक्स्ट है लॉफुल ऑब्जेक्ट, क्या है कॉन्ट्रैक्ट उस पर बनेगा जो लॉफुल है, कॉन्ट्रैक्ट उस पर बनेगा जो लॉफुल। अभी मैंने क्या किया तुमको, क्या बोला मैं तुमको 1,00,000 रुपया देता हूँ राइट, कितना रुपया देता हूँ 1,00,000, किसी को किडनैप करो, तो अब उसने आपने उसको किडनैप किया और फिरौती की रकम 1,00,000 आई, अब मैंने 1,00,000 के बदले आपको कितना 10,000 दिया, तो आपको गुस्सा है, बोला 1,00,000 बोल के 10,000 दिया, फिर आप जाके पुलिस में केस करेंगे, तो पुलिस को जब पूरा मसला सुनाएंगे तो पुलिस को तुम बोलेंगे कि उसने 1,00,000 बोला था, 1,00,000 नहीं दिया, तो पुलिस पहले पूछेगा कि क्या क्या काम था कि तुम 1,00,000 के बदले तुमने उसको नहीं दिया, तो फिर जब तुम बोलेंगे कि मैंने किडनैप किया था, उसने बोला था कि 1,00,000 देगा, उसने मुझे 10,000 दिया था, पुलिस पहले तुमको पकड़ करेगा, फिर बाद में मुझे पकड़ेगा, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट बना वो इलीगल पर बना है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट लॉफुल पे होना चाहिए, किस पर होना चाहिए लॉफुल ऑब्जेक्ट, ओके। नेक्स्ट है लीगल फॉर्मेलिटीज, क्या है जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसमें सब परफेक्टली लीगल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब होएगा, जब उसमें राइटिंग होएगा, रजिस्ट्रेशन होएगा, लीगल फॉर्मेलिटीज मतलब उसमें साइन होएगा, स्टैंप होएगा, सिंपल लीगल फॉर्मेलिटीज। और सर्टेनिटी, क्या दिया है मतलब कॉन्ट्रैक्ट उस पर ही बनेगा जिसका होना पॉसिबल है, तो जो चीज़ हो नहीं सकती उस पर कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल नहीं है। समझा, तो फॉर एग्जांपल मैंने आपको क्या बोला, मैं आपको 1,00,000 रुपया देता हूँ, मेरे लिए चांद तारा तोड़ के ले जाओ, तो ये इवेंट हो ही नहीं सकता ना, ये पॉसिबल नहीं है ना, इसकी पॉसिबिलिटी जीरो है ना, तो जो चीज़ हो ही नहीं सकती उस पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट उस पर ही बनेगा जो पॉसिबिलिटी राइट। एन एग्रीमेंट कंटेन टर्म्स हैज डिसाइड बाय द पार्टी, द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टेन एंड अनएम्बिगस। एम्बिगस मतलब नॉट क्लियर, अनएम्बिगस मतलब क्लियर होने चाहिए, इफ द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट आर अनसर्टेन इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो मतलब सर्टेनिटी मतलब कॉन्ट्रैक्ट होने का चांसेस होना चाहिए, बींग ऑफ कैपेबल परफॉर्म है ना, वो ये दिया है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल है परफॉर्मेंस करने का उस पर कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, जो पॉसिबल नहीं है उस पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। जैसे क्या बोला है, ए एग्रीज विद बी टू डिस्कवर द ट्रेजर बाय मैजिक, खजाना ढूंढेंगे जादू से, सच एग्रीमेंट आर नॉट एनफोर्सेबल, ये सब एग्रीमेंट कानून से होता नहीं है। नॉट डिक्लेयर टू बी वॉइड और इलीगल, अगर कॉन्ट्रैक्ट इलीगल है, वॉइड मतलब वैलिड नहीं है, तो उस पर कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नहीं। मतलब ये जो 10 कंडीशन है इसमें से एक भी कंडीशन नहीं रहेगी ना, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, माने इनवैलिड हो जाएगा, क्या हो जाएगा इनवैलिड। दीज आर दी बेसिक एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक पार्टी ऑफर करता है दूसरा एक्सेप्ट करता है, देर मस्ट बी एन इंटेंशन टू क्रिएट ए लीगल रिलेशनशिप, एंड कंसीडरेशन मस्ट बी लॉफुल, जो भी समथिंग इन रिटर्न होगा, एंड कैपेसिटी ऑफ पार्टी 18 साल के ऊपर होना चाहिए, मस्ट बी साउंड मैन, शुड नॉट बी डिस्क्वालीफाई बाय द लॉ। फ्री कंसेंट मतलब कॉन्ट्रैक्ट अपनी मर्जी से आना चाहिए, डरा धमका के नहीं, कॉन्ट्रैक्ट लॉफुल ऑब्जेक्ट पे बनना चाहिए जो लीगल है राइट।
और लीगल फॉर्म ओरल रिटर्न, ओरल होता है रिटर्न होता है, तो रिटर्न बेस्ट होता है जो रजिस्टर्ड रहता है। सर्टनिटी ऑफ मीनिंग मतलब सर्टन होना चाहिए कि हाँ जी चीज़ पॉसिबल है। और बाद में क्या दिया है, कॉन्ट्रैक्ट उस पर बनेगा जो जिसका पॉसिबिलिटी का होने का चांस है, और कॉन्ट्रैक्ट इलीगल और वॉइड नहीं होना चाहिए। तो ये था तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, राइट। तो हमने इसका क्या पढ़ा, एसेंशियल्स पढ़े, क्या पढ़े, एसेंशियल्स, ठीक है। एक आंसर तुम्हारे लिए अच्छे से 10 मिनट में करा दिया, ठीक है, और भी आंसर मैं एक एक करके करा दूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।